भी देख लेना। कोशिश करेंगे कि आज से कल तक उसका ना रिकॉर्ड का वीडियो वर्जन तुम लोग को प्रोवाइड करवा दे, तो वहाँ से भी कवर कर सकता है रिकॉर्डेड से। कैसा रहेगा वो भी ठीक ही रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा। अभी हम यहाँ पे चल रहे हैं, अभी स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं बहुत, लेकिन आज समय तुम लोग को हम ले लिए। देखो समझना है टॉपिक का तुम लोगों का, देखो तुम लोगों का टॉपिक का तो नाम है जियोमेट्री। जियोमेट्री को ना हिंदी में बोलते हैं हम लोग ज्यामिति, ठीक। और देखो जियोमेट्री में केवल तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, केवल और केवल स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, ठीक। और पढ़ना है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में पढ़ना है तुम लोगों का पैराबोला के बारे में, हाइपरबोला के बारे में, और फिर पढ़ना है तुम लोगों का एक इलिप्स के बारे में। अब ये सब क्या होता है ना, ये सब देखेंगे। इलिप्स जो अंडा, ये अंडा ये सब तुम लोग देखा होगा, अंडा ये सब के बारे में। अंडा होता है ना अंडा, वो देखना, वो इसी शेप में रहता है, इलिप्स वाला ही शेप में। तो और ये है, इसके साथ साथ तुम लोगों का स्ट्रेट लाइन के साथ साथ यहाँ से सर्कल के बारे में भी पढ़ना। लेकिन हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं पहुँचेंगे, स्ट्रेट लाइन के पीछे बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो वो सब बेसिक चीज़ें पहले हम लोग देखते हैं। इसके बाद स्ट्रेट लाइन में जाए पढ़ने का तरीका हम लोग का रहेगा, पहले बेसिक देख लेंगे, इसके बाद स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, इसके बाद सर्कल में जाएंगे, तब फिर कोनिक सेक्शन में जाएंगे। वैसे ये सब पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो हो चुका है ना कि उसका तुम लोग को लिंक प्रोवाइड करें ना, ताकि आगे वाला तुम लोग देख लो। या तुम लोग भी जाना ना प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे ना झारखंड वालों का ना पूरा पढ़ा के रखा हुआ है स्ट्रेट लाइन, मतलब ये सब पूरा। उन लोगों का कॉनिक सेक्शन का सिलेबस नहीं था, तो उन लोग को ये नहीं पढ़ाए, तो ये वाला पूरा ज्योमेट्री वहाँ पे भी पढ़ाया हुआ है। तो मतलब एक बार वहाँ से भी देख लोगे ना, तो फिर 2-3 बार रिविजन हो जाएगा। और फिर कल से करना तुम लोग कि आज तो हम पढ़ाएंगे बेसिक, कल से क्या करना है ना कि वहां से देख के इसके बाद क्लास ज्वाइन करना, ताकि ना और बढ़िया से समझ में आए, ठीक। दोनों का सेम सिलेबस है, टेंशन नहीं लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं टॉपिक के ऊपर। देखो सबसे पहला चीज जियोमेट्री में हम लोगों का, जियोमेट्री मतलब इसका नाम से ही पता चल रहा है। देखो जियो मेट्री, जियोमेट्री अगर इसको हिंदी में लिखेंगे ना, ज्यामिति। देखो ज्या मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, जियो मतलब जैसे होता है ना जियोग्राफी, जियोलॉजी यानी जीव भूमि से संबंधित। एक होता है जियोलॉजी, एक होता है जूलॉजी। तो जूलॉजी अलग, वो बायोलॉजी का टर्म हो जाता है। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी ये सब, यानी इसका मतलब होता है अर्थ, और इसका मतलब मेट्री मतलब होता है माप। जहाँ पे भी अर्थ का मेजरमेंट होता है ना, वहीं पे हम लोग का ये जियोमेट्री काम देता है। जैसे कि जियोमेट्री अर्थ हम लोग का क्या है, इस तरह से है, इस तरह से हम लोग का। यहाँ पे तुम लोग देखेगा ना कि जनरली अर्थ पे हम लोग मेजरमेंट ही क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लेंथ को ही तो मेजरमेंट करते हैं। कहीं एने टेढ़ा लाइन गया, कहीं एने टेढ़ा लाइन आ रहा है, कभी इधर टेढ़ा लाइन आ रहा है। अर्थ का सरफेस वैसे भी उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ है, तो उसी को हम लोगों को मेजरमेंट करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है, उसी को बोलते हैं जियोमेट्री। और जियोमेट्री से जनरली केवल लाइंस एंड एंगल्स को ही हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, लाइंस एंड एंगल्स को ही जनरली मेजरमेंट करेंगे कि कहाँ से 2 पॉइंट लेते हैं। इसका कोई भी एक रेफरेंस के साथ कोऑर्डिनेट रहेगा, इसका कोई रेफरेंस के साथ कोऑर्डिनेट रहेगा, बताया हुआ रहेगा। सो चाहना है मतलब इस दोनों के बीच का अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो यही सब चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। सबसे पहला चीज़ हम लोगों का आता है ज्योमेट्री में, अभी जो तुम लोग पढ़े हो ना पहले, उसी को केवल अभी हम एक बार
सब जितना भी पढ़ा ना पहले उसको एक बार पहले रिवाइज करवाएंगे, मतलब कि बता बता के लिख लिख के, इसके बाद तुम लोग को आगे हम ले चलेंगे। देखो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला, अच्छा जैसे ज्योमेट्री पढ़ रहा है तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट में भी मेजरमेंट करते हैं ऐसे। कोऑर्डिनेट में ये ओरिजिन रहता है, ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई वाई एक्सिस रहेगा। ये क्या, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। यहाँ पे देखो इसमें तुम लोग ये ध्यान देता होगा ना कि इसमें तुम लोगों का ना एक्स एक्सिस या वाई एक्स, अच्छा इधर वाला को हम लोग प्लस प्लस के साथ मेजरमेंट करते हैं, इधर जाता है तो एक्स माइनस वाई प्लस मेजरमेंट करते हैं, इसमें माइनस माइनस, और इसमें एक्स प्लस और वाई माइनस के साथ मेजरमेंट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे तुम लोग ये देखा होगा ना कि ये जो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो कोई भी पी पॉइंट है, और ये पी पॉइंट को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। मान लो कि तुम्हारा घर क्या है, घर यहाँ पे है, इस जगह पे क्या है, घर है, तो तुम लोग क्या करता होगा, अगर कोई भी कोरियर मंगाता होगा ना, कोरियर मतलब कि कोई भी सामान ये सब मंगाता होगा ना, तो एक तुम लोग वहाँ पे डालता होगा ना लैंडमार्क डालता होगा। कोई भी फ्लिपकार्ट अमेजन से कुछ भी मंगाता है तो वहाँ पे तुम लोग एक लैंडमार्क डालता होगा। लैंडमार्क क्यों डाला जाता है, लैंडमार्क, और लैंडमार्क किसको बोलते हैं, जो थोड़ा पॉपुलर जगह हो, पॉपुलर जगह हो यानी जो फेमस जगह हो, वही लैंडमार्क डालेंगे। और लैंडमार्क वही डालेंगे जो घर के बगल में हो यानी घर के नज़दीक हो, ताकि किसी को भी उस लैंडमार्क तक पहुंचने में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो यानी देखो इस घर को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी इस घर को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज किए, लैंडमार्क का यूज किया ना, ताकि कोरियर वाला आए उधर से रास्ता तो इस लैंडमार्क तक पहुंच सके और यहाँ के बाद कॉल करें कि हाँ भाई अब हमको किधर आना है बता। सेम चीज यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वो ये पी पॉइंट है और वो भी लैंडमार्क एक वो है, लेकिन इसके साथ साथ तुम लोगों को ना एड्रेस भी मांगता है, एड्रेस भी मांगेगा कि किस जगह पे किस पता पे आना है हमको लेकर सामान, ये भी मांगता है और साथ साथ लैंडमार्क भी मांगेगा, कोई एक पॉपुलर जगह है तो वो आप बता दीजिए। सेम चीज ये भी होता है इसके साथ, यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये को पी कोई पॉइंट है यानी ये क्या है घर है यहाँ पे, और इस पी पॉइंट यानी इस घर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई एक लैंडमार्क का यूज करना होगा, और वो जो लैंडमार्क होता है वो क्या होता है, ये ओरिजिन होता है। तो देखो ओरिजिन से तो हम लोगों को पता चल रहा है कि ये ओरिजिन से कहाँ भाग रहा है, लेकिन उस डायरेक्ट ओरिजिन तक पहुँचना डायरेक्ट, ये तो हम लोग का लैंडमार्क है कि हाँ इस जगह पर पहुँच गए यानी यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ के बाद मान लेते दो, एगो एगो इधर रास्ता था एगो इधर रास्ता है, पता चल रहा है कि तुम्हारा कने घरवा है, तो अब यहाँ के बाद लैंडमार्क तक तो ठीक है हम लोग पहुँच गए, अब लैंडमार्क के बाद जहाँ पे घर है ना वहाँ पे पहुँचना है, तो इस जगह पे पहुँचने के लिए हम लोग किसका सहारा लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का सहारा लेंगे। हम लोग देखें कि अच्छा अगर इधर से चलेंगे एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो इतना दूर चलने के बाद इसके सामने हम लोग को घर कुछ मिलेगा, अगर वाई एक्सिस पे चले तो इसके सामने से इधर राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, यानी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ों का सहारा लिए, दो जगह का सहारा लिए, प्लस में एक लैंडमार्क का यूज किया, दो दो किसका किसका सहारा लिए, पहला एक्स एक्सिस का सहारा लिए कि अच्छा एक्स एक्सिस में जाएंगे तो कितना दूर पहुँचेंगे, और दूसरा वाई एक्सिस का सहारा लिए, वाई एक्सिस के थ्रू यहाँ यानी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो चीज़ों के सहारा लिए, एक्स और वाई, और यही क्या होता है, यही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाता है। सेम चीज़ है इस घर तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग देखें, सबसे पहले एड्रेस डालें, लैंडमार्क दिए, साथ में मोबाइल नंबर भी दे डाल दें, ताकि यहाँ पे सबसे पहले लोग कहाँ पहुँचता है, लैंडमार्क के पास पहुँचता है, कोई भी अगर इधर उधर भटका हुआ रहेगा तो सबसे पहले ओरिजिन के पास पहुँचेगा, ओरिजिन के पास जिसको जहाँ जाना होगा आराम से वहाँ पहुँच जाएगा, वही लैंडमार्क के पास पहले पहुँच जाओ, इसके बाद जहाँ जिस रूट में भागना है उस रूट में आराम से पहुँच जा, काम हो जाएगा, पहुँच जाओगे जगह, और यही जो पॉइंट होता है इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यानी इस पी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका किसका सहारा लिए, एक्स एक्सिस का सहारा लिए और वाई एक्सिस का सहारा लिए। अच्छा ठीक है,
ये वो तो पॉइंट ओ ले लिया, मान लेते कि दूसरा एक और हम लोग यहीं पे कोई कोऑर्डिनेट लेते हैं, इधर है मान लेते हैं, ये वो यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट ले लिया, तो इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस में कुछ दूर तक जाना होगा और वाई एक्सिस में कुछ ऊपर जाना होगा, तब जाके ये हम लोग को मिलेगा ऐसा ये पॉइंट ऐसा। तो इस मान लेते हैं ये एक्स वन वाई वन इसको मानते हैं, पी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं एक्स वन और वाई वन मानते हैं ठीक, और ये पॉइंट को हम लोग क्यू लिखते हैं और इसको मानते हैं एक्स टू और वाई टू, एक्स टू और वाई टू हम लोग इसको मानते हैं, एक्स टू और वाई टू। अच्छा अब यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक कितना इधर डिस्टेंस गए थे, यहाँ से यहाँ तक एक्स वन डिस्टेंस हम लोग गए थे, और फिर यहाँ ओरिजिन से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस इधर गए, यहाँ से यहाँ तक एक्स टू डिस्टेंस गए एक्स टू ठीक, और फिर यहाँ से ऊपरे तक कितना डिस्टेंस हम लोग गए वाई वन डिस्टेंस गए, और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस गए थोड़ा सा ना इसको हमको और ऊपर लेना चाहिए था तो हो जाता। अच्छा ठीक यहाँ पे हम लोग वाई वन और यहाँ पे हम लोग का ये थोड़ा क्या डिस्टेंस रहेगा वाई टू, नहीं इसको थोड़ा ऊपर ही कर दो तो ठीक रहे, नीचे भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऊपर मानते हैं ऊपर पहुँचाते हैं ऐसे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेते हैं और इसका नाम देते हैं एक्स टू और वाई टू, तभी ना ये वो बढ़कर रहेगा ये क्यू रहेगा, तो वाई वन छोटका रह जाएगा और वाई टू क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक बड़का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तुम लोग एक चीज, और यहाँ जैसे दो को तो कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया, दो को पॉइंट मिल गया, अब हम लोग को क्या करना है ना कि इस दोनों पॉइंट के बीच का कुछ डिस्टेंस निकालना। अच्छा अब यहाँ पे मान लेते दो कोरियर निकला था सामान देना, पता करना है कि दोनों कोरियर एक दूसरे से कितना दूरी पर है, तो क्या हम लोग करना होगा इसका डायरेक्ट ये वाला डिस्टेंस अब हम लोग को निकाल देना होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले इसको ऐसे यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, क्या ये वाला डिस्टेंस निकलेगा, निकलेगा कैसे, टोटल यहाँ से यहाँ तक एक्स टू है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स वन है, तो एक्स टू में से ये एक्स वन घटा देंगे इधर हटा देंगे तो क्या बचेगा यही वाला पार्टा बचेगा ना, तो ये वाला पार्टा हम लोग को क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी जो ये वाला है वही हो जाएगा ये एक्स टू माइनस एक्स वन, सेम चीज यहाँ पे भी वैसे ही होगा, यहाँ से यहाँ तक वाई वन है और पूरा वाई टू है, अगर ये वाला पार्ट को निकालना है तो हम लोग को क्या मिल जाएगा वाई टू माइनस वाई वन ठीक, एक के बार में समझने की कोशिश करना, देखो तो ये वाला पार्ट एक्स टू माइनस एक्स वन, ये वाला पार्ट वाई टू माइनस वाई, और ये वाला हम लोगों को क्या है पी क्यू डिस्टेंस है, और पी क्यू डिस्टेंस निकालना अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, चलो राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, वही लगा देते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना था यहाँ पी और क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर हम लोग को क्या लिख सकते हैं पी क्यू के स्क्वायर बराबर यहाँ से देखो नीचे क्या है ए बेस सॉरी परपेंडिकुलर पर लिखे ना परपेंडिकुलर वाई टू माइनस वाई वन यानी वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर प्लस डालते हैं प्लस बी बराबर क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, अगर पी क्यू का यहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो पी क्यू बराबर हम लोग क्या लिख देंगे अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन के होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है इसको और अगर अलग फॉर्मेट में लिखना है तो पी क्यू डिस्टेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ वाई टू माइनस वाई वन है इसको हम लोग वाई वन माइनस वाई टू भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन यानी इसको एक्स वन माइनस एक्स टू भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी शुरू और लास्ट वाला तो प्लस ही होता है बीच में केवल प्लस माइनस का अंडर। देखो अब यहाँ से एक चीज़ हम लोग को कंफर्म पता चल गया कि अगर कहीं पे भी दो पॉइंट के बीच का अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है
कहीं पे अगर हम लोगों को दो पॉइंट के बीच का अगर हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है, तो उस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट खाली पता रहना चाहिए, और कोऑर्डिनेट पता रहना चाहिए बस, दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये हम लोग का ना प्रूफ हो गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ये है डिस्टेंस फार्मूला, इसी को हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। और इससे सबसे बेसिक चीज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बेसिक पार्ट है कि कोई भी दो पॉइंट, अगर कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में रहेगा तो कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो y2 - y1 + x2 - x1 का होल स्क्वायर, या y1 - y2 + x1 - x2 का होल स्क्वायर, ये पहले लिखो, ये पहले लिखो, ये भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में प्लस। तो आई होप डिस्टेंस फार्मूला तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर देखो यहाँ तो हम लोगों को दो पॉइंट था, कभी कभी पूछ देगा कि ओरिजिन से निकालिए, तो ठीक है ओरिजिन से निकालने के लिए बोलेगा, तो फिर जीरो, ये तो 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन का, तो यहाँ से लिखेंगे 0 0। अगर एक मतलब डिस्टेंस फ्रॉम, अगर कहीं से भी पूछे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कि मूल बिंदु, यहाँ से अगर डिस्टेंस पूछे कहीं पे कोई भी पॉइंट पे, तो ये क्या होगा x1 0, यहाँ पे देखो x1 0 और y1 भी 0, तो फाइनली डिस्टेंस क्या मिलेगा, डिस्टेंस फार्मूला बनेगा जो भी अगला पॉइंट, मान लेते हैं कि अगला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और ये तो वैसे 0 हो गया, तो फिर डिस्टेंस फार्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट ये इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट रहेगा, मान लेते हैं उस पॉइंट का एक्स वाई का कोऑर्डिनेट x² + y² मिलेगा, यही हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम ओरिजिन। लिख लो, ये बेसिक चीज थे जो तुम लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा। अब इसके बाद तुम लोग ना क्लास 10th में और एक चीज पढ़ा होगा, एरिया के बारे में पढ़ा होगा, या और फिर तुम लोग मिड मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में भी जिक्र करते हैं, तब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा पहले रुक जा, पहले इसी के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। चलो यहाँ तक तो हो गया डिस्टेंस फार्मूला, तुम लोग समझ में आ गया होगा डिस्टेंस फार्मूला में, किसी को कोई परेशानी है क्या, परेशानी तकलीफ? चलो देखो अब यहाँ तक तो ठीक है कि डिस्टेंस फार्मूला समझ में आ गया। अब देखते हैं इस डिस्टेंस फार्मूला का यूजेज हम लोगों को कहाँ कहाँ मिलता है। तो जनरली देखो इस डिस्टेंस फार्मूला का यूजेज ना हम लोगों को डिस्टेंस निकालने के लिए ही पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पड़ेगा। तो इस डिस्टेंस का हम लोग कहाँ कहाँ का डिस्टेंस निकाल कर इससे क्या क्या पता कर सकते हैं वो देखते हैं। यानी लिख सकते हैं हम लोग यूजेज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूजेज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे, पहले डिस्टेंस फार्मूला को फाइनल कर ले। जैसे हम लोग तो समझ गए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या था, मान लेते हैं PQ = x2 - x1² + y2 - y1² ये हम लोग का डिस्टेंस फार्मूला निकला। तो देखते हैं इस डिस्टेंस फार्मूला, पहले तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ गए कि ठीक है कहीं पे भी दो पॉइंट अगर हम लोगों को दिया हुआ है पी और क्यू, और इसका अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और y1, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 और y2, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ये तो समझ में आया। और हम लोग इसका यूजेज कहाँ कर सकते हैं, इसका यूजेज हम लोग कर सकते हैं किसी भी क्लोज फिगर को चेक करने के लिए, क्लोज फिगर को चेक करने के लिए कि वो क्लोज फिगर रिक्टेंगल है यानी आयत है, पैरालेलोग्राम है यानी समांतर चतुर्भुज है, रैम्बस है सम चतुर्भुज है, या राइट एंगल ट्रेंगल है, या इक्विलेटरल ट्रेंगल है, या आइसोसेलस ट्रेंगल है, वो सब चेक करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो पहला कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज हम लोग कहाँ कर सकते हैं कि कोई भी रिक्टेंगल, RCTNGL हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ताकि याद रखो। देखो कोई भी मतलब कोई भी एक क्लोज फिगर रहेगा ऐसे, तो हम लोग ना इसको चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला का कि सच में ये वाला जो फिगर है ये सच में आयत है या रिक्टेंगल है कि नहीं। वो कैसे यूज करेंगे सर,
उसको यूज करने का तरीका, रिक्टेंगल का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। रिक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए बी बटा ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, और ए डी बराबर यानी ये वाला बराबर ये वाला और ये वाला बराबर ये वाला, ए डी बराबर बी सी। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से ना इसका आमने सामने वाला भुजा का लंबाई निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। चलो हम लोग देख रहे थे रिक्टेंगल, रिक्टेंगल हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई भी एक क्लोज फिगर रिक्टेंगल है या नहीं है। उसको चेक करने का तरीका हम लोगों के पास क्या है कि इसका आमने सामने वाला डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस निकालने का तरीका हम लोग जानते। अब यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट ये नहीं दिया हुआ रहेगा ना कि ये 5 सेंटीमीटर है और नीचे वाला भी 5 सेंटीमीटर है, हमको ना कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, केवल और केवल कोऑर्डिनेट के फॉर्मेट वाला ही बात करेंगे। ठीक, तो हम लोगों को क्या रहेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा कि इसका कुछ कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है x2 y2, नीचे वाला का कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा x3 y3, और इधर कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा x4 y4। तो इस तरह से हम लोगों को कुछ कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा, तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा तो ये तो रेक्टेंगल हम लोग पता कर सकते हैं कि आमने सामने क्या, केवल आमने सामने वाला भुजा का दूरी, मतलब आमने सामने वाला जो साइड है उस साइड का डिस्टेंस निकालने से क्या हम लोगों को ये थोड़ी ना पता चलेगा कि वो रिक्टेंगल है या नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना होगा, और कुछ काम करना होगा, क्योंकि रिक्टेंगल आमने सामने वाला भुजा तो समांतर चतुर्भुज का भी बराबर होता है। तो ये अब तक तो रिक्टेंगल हम लोग नहीं बोल सकते हैं, खाली ये आमने सामने वाला भुजा का डिस्टेंस निकाल के हम लोग ये नहीं कह सकते हैं ना कि वो रिक्टेंगल है। तो इसके लिए हम लोग और क्या करेंगे, रिक्टेंगल निकालने के लिए इसका ना डायगोनल चेक करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। देखो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये हम लोग का क्या है, इस रिक्टेंगल का साइड है, साइड मतलब कि भुजा है। ठीक, और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल मतलब कि डायगोनल मतलब कि कोना कोनी वाला, ये जो कोना कोनी है दोनों डायगोनल हम लोग निकाल के देखेंगे। और अगर दोनों डायगोनल का डिस्टेंस निकाल के देखेंगे, अगर दोनों डायगोनल का लंबाई इक्वल आ गया, यानी AC बराबर BD आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है डायगोनल, जिसको हम लोग बोलते हैं फिगर बनाना और सारा चीज लिखना। तो अगर दोनों डायगोनल एक दूसरे का इक्वल हो गया, देखो एक रिक्टेंगल निकालने के लिए हम लोगों को कितना कंडीशन चाहिए, एक रिक्टेंगल निकालने के लिए हम लोगों को चेक करना होगा कि आमने सामने वाला का साइड क्या हो, इक्वल करना होगा, और इसके साथ साथ इसका जो डायगोनल है इस डायगोनल को भी चेक करना होगा। और अगर सब कंडीशन मिल गया, आमने सामने का साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फिगर है, हेंस दिस फिगर इज रेक्टेंगुलर फिगर। ठीक, लिखो सब। चलो रिक्टेंगल तो अब चेक करने के लिए पता चल चुका होगा कि रिक्टेंगल कैसे चेक करोगे। सो तो रिक्टेंगल को यानी आयत को चेक करने का तरीका क्या होना चाहिए, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम तुम लोगों को बता दिए, डिस्टेंस फॉर्मूला में लिखा हुआ है, तो आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सबका डिस्टेंस निकाल देना, आमने सामने का डिस्टेंस इधर 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 यानी ऊपर नीचे और राइट और दाएं बाएं, डिस्टेंस निकल गया। इसके बाद फिर हम लोग को केवल डिस्टेंस नहीं, इसके बाद डायगोनल देखना होगा, डायगोनल को भी चेक करेंगे, अगर इक्वल हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग का क्या है, रिक्टेंगल है। चलो रिक्टेंगल का काम खत्म हो गया, अब आगे बढ़ते, लिखो स्क्रीनशॉट मारते जाना बाद में कॉपी में। हाँ, लेकिन स्क्रीन शॉट ही केवल उस वैसी नहीं रह जाए, उसको कॉपी में उतारना। अब देखो सेकेंड हम लोग का दे सकता है क्या, सेकेंड फिगर हम लोग का दे सकता है स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कि वर्ग।
वर्ग किसको बोलेंगे हम लोग? वर्ग उसको बोलेंगे, जैसे अभी रेक्टेंगल हम लोग देखे, रेक्टेंगल में क्या था कि आमने सामने वाला का साइड बराबर था, लेकिन वर्ग उसको बोलेंगे जिसका सारा साइड का क्या हो, बराबर हो। तो क्या सारा साइड का लंबाई केवल बराबर होने से हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर है? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सम चतुर्भुज भी एक ऐसा फिगर है जिसका चारों भुजा बराबर होता है। अब देखो कोई कोई बोलेगा नहीं सर इसमें 90 डिग्री भी होता है कोणा कोणा पर, हाँ होता है, लेकिन स्क्वायर या रिक्टेंगल चेक करने में 90 डिग्री का कोई भूमिका नहीं होती है, साइड से ही पता चल जाता है। ठीक, तो देखो स्क्वायर चेक करने का तरीका, सब साइड का लंबाई निकालो, ए बी बराबर सब बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अगर चारों साइड का लंबाई हम लोग निकालेंगे, चारों साइड का लंबाई निकालेंगे, अगर चारों साइड का लंबाई इक्वल हो गया, ये हम लोग का क्या है साइड है, साइड अगर चारों साइड का लंबाई इक्वल हो गया और उसके साथ साथ, केवल चारों साइड का लंबाई इक्वल होने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, किसका जो डाइगोनल हुआ है ना, ये डाइगोनल हुआ यानी विकर्ण, ये भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यानी चारों साइड इक्वल साथ साथ डायगोनल ए सी बराबर बी डी यानी डायगोनल विकर्ण, और डिस्टेंस निकालने के लिए बताए हैं फॉर्मूला, आराम से डिस्टेंस निकालो इसको, ये डायगोनल विकर्ण जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये अगर इक्वल हो गया, यानी रिक्टेंगल निकालने का तरीका क्या था कि आमने सामने वाला साइड इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर निकालने का और सॉरी रिक्टेंगल निकालने का आमने सामने का साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर निकालने का तरीका यानी स्क्वायर निकालने का तरीका, कहने का मतलब कि ये फिगर स्क्वायर है या नहीं, वो चेक करने का तरीका क्या होगा कि चारों साइड चेक करेंगे, चारों साइड का लंबाई अगर चारों साइड इक्वल हो गया साथ साथ दोनों डायगोनल इक्वल हो गया तो हम लोग बोल देंगे वो क्या है स्क्वायर है। ठीक, तो अच्छा लिख देंगे यहाँ, हेंस अगर लिखना है पूरा तो लिख सकते हैं, हेंस गिवेन कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्लोज फिगर, अपने से भाषा बना के लिख सकते हो, हेंस गिवेन कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्लोज फिगर इज स्क्वायर, जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ था एक क्लोज फिगर का वो क्या है, वो स्क्वायर है। इसी तरह से देगा तुम लोगों को, चार को पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा ना कि प्रूफ कीजिए कि ये रिक्टेंगल है या फिर ये स्क्वायर है, तो रिक्टेंगल और स्क्वायर का कंडीशन में जानोगे तब ना प्रूफ करोगे। चलो स्क्वायर हो गया, अब आते हैं थर्ड में। थर्ड हम लोग का रहेगा पैरालेलोग्राम, पी ए आर ए डबल ए पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम मतलब बोलते हैं इसको समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज किसको बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज उसको बोलेंगे कि जो केवल और केवल, मतलब समांतर चतुर्भुज चेक करने का तरीका क्या है, समांतर चतुर्भुज चेक करने का तरीका ये है कि इसका ना आमने सामने वाला केवल डिस्टेंस निकाल के देखेंगे, आमने सामने वाला डिस्टेंस निकालेंगे यानी ए बी बराबर ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। अगर आमने सामने वाला साइड इक्वल हो गया, आमने सामने वाला साइड इक्वल हो गया और इसका जो डायगोनल है ये वाला ए सी और बी डी, ए सी और बी डी ये क्या हो, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला इक्वल हो गया यानी साइड तो इक्वल हो ही रहा है, अगर ये डायगोनल वो इक्वल हो जाएगा ना तब तो फिर वो रेक्टेंगल बन जाएगा, लेकिन हम लोग चेक करना है कि वो पैरालेलोग्राम है या नहीं है यानी समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है कि केवल और केवल आमने सामने वाला साइड ही इक्वल होना चाहिए, डायगोनल क्या है इक्वल नहीं होना चाहिए, डायगोनल इक्वल नहीं होगा तब हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस दिस इज पैरालेलोग्राम। आई होप समझ में आ रहा होगा, यानी समांतर चतुर्भुज।
पैरालेलोग्राम चेक करने का क्या कंडीशन रखना है हम लोगों को, केवल और केवल आमने सामने का साइड केवल इक्वल बन जाना चाहिए। अगर आमने सामने वाला साइड इक्वल बन रहा है और लेकिन हाँ केवल आमने सामने वाला केवल काम नहीं चलेगा, उसके बाद डायगोनल वो निकालना होगा, डायगोनल का लेंथ। और फिर देखेंगे डायगोनल का लेंथ अगर इक्वल है तो उसको रिक्टेंगल में बता देंगे कि रिक्टेंगल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो बोल देंगे कि पैरालेलोग्राम है, लेकिन पैरालेलोग्राम में साइड वो आमने सामने का इक्वल होगा। ठीक, चलो पैरालेलोग्राम भी हो गया, ये था हम लोग का थर्ड। अब आते हैं फोर्थ में, चेक करते हैं, लिखते जाना सब, अभी सारा चीज पहले वाला ही शायद अगर तुम लोग पढ़ा होगा ये सब पहले। अब देखो थर्ड हम लोग का क्या, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ऊपर में दिया हुआ। फोर्थ हम लोगों का है रैम्बस, रैम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज। अच्छा से समझा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखो रैम्बस किसको बोलते हैं, देखो रैम्बस में और पैरालेलोग्राम में देखना है टेढ़ टेढ़ बना रहे, क्योंकि इसमें 90 डिग्री नहीं रहता है ना, इसीलिए ना ये वो डायगोनल वाला थोड़ा लंबर भाग जा रहा है। देखो ये कोणवा लग रहा है ना कि ये कोणवा ज्यादा घिंचा गया है और ये कोणवा कम घिंचाया है, इसीलिए डायगोनल वाला इक्वल नहीं होता। देखो पता चल रहा है यहाँ से, देखो रैम्बस कैसे होगा, हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये फिगर रैम्बस है। तो रैम्बस निकालने के लिए क्या करना है, सब साइड क्या होना चाहिए, सब साइड इक्वल होना चाहिए। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर क्या हो, ए डी हो, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। लेकिन इसका अगर डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो क्या बनेगा, डायगोनल इक्वल हो जाएगा ना तो वो बन जाएगा हम लोगों को स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन डायगोनल क्या इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी ए सी इज इक्वल टू नॉट बी डी, यानी इसका डायगोनल डायगोनल ये है तो डायगोनल इक्वल नहीं होगा, केवल ऑल चारों साइड्स आर इक्वल, मतलब ऑल फोर साइड्स ऑफ दिस फिगर इज इक्वल एंड इट्स डायगोनल इज नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड ए रैम्बस। हेंस दिस इज रैम्बस, हेंस प्रूफ। चलो चार को फिगर बता दिए, और क्या क्या दे सकता है, और दे सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे सकता है। अब बताते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकता है, कि चेक करके बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। बोलो शुभम कुमार क्या बोल रहे हो, माइक ऑन करो और बोलो। सर ये जो रैम्बस का प्रॉपर्टी भी है ना वो सेम टू सेम पैरेललोग्राम का, इसमें सर एक और चीज होता है, इसका जो डायगोनल है ना उस पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अरे वो तो वो कंडीशन है, हमको चेक करना है ना कि ये रिक्टेंगल ये कैसे पैरालेलोग्राम हो जाएगा। पैरालेलोग्राम का कंडीशन बताएं आमने सामने, देखो वैसे मत रिलेट करो, वो जो जियोमेट्री में पढ़ रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ रहे हैं, जियोमेट्री और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में फर्क है। हम लोग इसका प्रॉपर्टी नहीं देख रहे हैं, हम लोग इसका प्रॉपर्टी देखते तो बोल देते कि हाँ 90 डिग्री होता है, और बहुत कुछ होता है प्रॉपर्टी में, इधर इंटरनल एंगल भी इक्वल होता है इसका अंदर अंदर वाला, तो हम लोग इसका प्रॉपर्टी नहीं देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं ना कि चेक कैसे करेंगे कि ये जो एक क्लोज फिगर, स्टार्टिंग में ना बोले कि क्लोज फिगर, ये जो क्लोज फिगर है उस क्लोज फिगर को रैम्बस कैसे चेक कर सकते हैं, पैरालेलोग्राम रिक्टेंगल स्क्वायर कैसे चेक कर सकते हैं, इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस भी लिखे हैं, तो इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के फॉर्मेट में कैसे हम लोग चेक करेंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक ना जी सर। हाँ अगर इसका प्रॉपर्टी हम लोग को देखना रहेगा तो प्रॉपर्टी तो और बहुत कुछ होता है इसका प्रॉपर्टी, वो सब हम लोग का अलग जियोमेट्री मिलेगा, वो केवल जियोमेट्री में, और ये है हम लोगों का कोऑर्डिनेट, एक होता है ज्यामिति एक होता है निर्देशांक ज्यामिति, तो ज्यामिति में केवल ये सब मिलेगा, उसमें कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक नहीं मिलेगा। तो आई होप समझ में आ गया अब। चलो रैम्बस तक पहुंच गए, अब फिर देखते हैं आगे, आगे हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल भी तुम लोग से पूछ सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल EQUILATER,
इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। आई होप नाम सुना सुना जैसा लग रहा होगा, त्रिभुज कोई नया नाम तो है नहीं। समबाहु मतलब कि जिसका ढेर माने बाहु हो, हाथ गौड़ पैर हो और फिर सबका भुजा बराबर हो। बहु बहु नहीं बाहु, बाहु मतलब कि भुजा साइड, गलत मत पढ़ लेना। इसको ना इस तरह से बनाते हैं, ये इस तरह का रहता है। इसमें तीन ट्रायंगल है मतलब कि तीन गो रहेगा, क्वाड्रिलेटरल था मतलब चार गो रहेगा चतुर्भुज। यहाँ नाम देते हैं ए बी सी, इस तरह का नाम है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल चेक करने का तरीका क्या है कि इसमें चेक करेंगे कि अगर ऑल साइड्स आर इक्वल आ जाएगा, यानी ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी आ गया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ अब एंगल देखो, इसका और प्रॉपर्टी होता है कि इसका 60-60 डिग्री सब एंगल बनता है, तो 60-60 डिग्री हम लोग यहाँ चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो इसका प्रॉपर्टी होता है। हमको चेक करना है कि ये क्लोज फिगर इक्विलेटरल है या नहीं है, प्रॉपर्टी अलग होगा और ये अलग होगा, ठीक। तो इसको अगर हम लोग को चेक करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है, तो हम लोग अगर चारों साइड चेक कर लेंगे इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला के टर्म में, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है ये है। यानी अगर हम लोगों को मिले ए बी बराबर बी सी बराबर, अगर ए सी दिखे यानी ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ये क्या है साइड ऑफ इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि और कोई भी ऐसा ट्रायंगल होता ही नहीं है जिसका ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल हो, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये हो गया। अगर हम लोगों को मान लेते हैं कोई चेक करने के लिए बोल दे कि आइसोसेलस ट्रायंगल है या नहीं है, आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहा है, याद होना चाहिए समबाहु, इसको हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु। अगर हिंदी से तुम लोग सब तो हिंदी से ही होगा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे, इसमें केवल और केवल कन्हों से दो साइड इक्वल होना चाहिए, कन्हों से दो साइड इक्वल होना चाहिए बस, ए बी सी, यानी या तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए ठीक, या नहीं तो क्या होना चाहिए, ये दोनों अब इसको मिटाते हैं समझा के, या नहीं तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, या नहीं तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी कोई भी दो को साइड क्या हो कैसू इक्वल हो जाए उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलस ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक। यानी कुछ भी हो सकता है, या ए बी बराबर बी सी हो सकता है, ए बी बराबर बी सी हो सकता है फर्स्ट कंडीशन, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी बराबर बी सी हो सकता है, या ए सी बराबर भी अगर बी सी हो जाए, ए सी बराबर भी अगर बी सी हो जाए तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि आइसोसेलस ट्रायंगल है, ए सी बराबर बी सी अलग अलग फॉर्मेट में, और ए बी बराबर बी सी, और अगर ए बी बराबर ए सी भी हो जाए, ए बी बराबर ए सी भी हो जाए तब हम लोग बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, अलग अलग कंडीशन। अब ये मत सोचना ना कि अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमको प्रूफ करना है तब हम तीनों कंडीशन अप्लाई करते, नहीं तीनों कंडीशन नहीं, तीनों कंडीशन में कोई अगर एक एक को कंडीशन मान लो यही कंडीशन मिल गया तभी बोल देंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, कभी ये भी ये मान लेते हैं ये कंडीशन में ये कंडीशन मिल गया तभी बोले, मतलब कि एगो मतलब एक के बार चेक करना, लेकिन शायद नहीं ना ऐसे नहीं ना, क्योंकि हम लोगों को कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा ना, कोऑर्डिनेट्स नहीं ना पता चलेगा कि कौन कौन सा डिस्टेंस इक्वल है, तो सब चेक करना होगा सबका डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस निकालेंगे इसका 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 तीनों के डिस्टेंस निकालेंगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि कौन दो गो इक्वल हो रहा है कौन दो गो इक्वल नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है स्केलन ट्रायंगल, इसका क्या होता है ना मतलब विषमबाहु त्रिभुज होता है, इसका क्या होगा ना कि कोई साइड में एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होगा, एको साइड एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होगा, एको साइड में इक्वल होगा तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर ट्रायंगल या फिर विषमबाहु त्रिभुज।
स्केलर ट्रायंगल। तो आई होप यहाँ तक समझ में तुम लोग का आ रहा होगा, बहुत कुछ बता दिए हैं। अब यहाँ एक अच्छा हाँ एक और बचा है, राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल वाला भी पूछता। अब देखो अब एंगल को कैसे हम लोग पता करेंगे कि कोई भी अगर यहाँ तक तो हम लोग को पता चल रहा है कि तीन गो ऐसा कंडीशन हो सकता है ना कि तीनों तीन गो साइड सॉरी तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो और अब हम लोग चेक न पता चल रहा है कि वो समबाहु त्रिभुज है, न पता चल रहा है कि समद्विबाहु है, न पता चल रहा है स्केलर ट्रेंगल है, तो आखिर वो कौन सा ट्रेंगल। तो एक और ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल बचता है, तो या तो राइट एंगल ट्रेंगल भी हो सकता है। तो राइट एंगल ट्रेंगल चेक करने का तरीका कैसे है वो भी बताते हैं। और ज्यादातर राइट एंगल ट्रेंगल और इक्विलेटरल ट्रेंगल ही पूछता है। तो राइट एंगल ट्रेंगल प्रूफ करने के लिए दे देगा कि गिवेन थ्री कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्लोज फिगर इज दिस 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 एंड चेक दिस कोऑर्डिनेट इज राइट एंगल ट्रेंगल या और कुछ ऐसे करके। देखो राइट एंगल ट्रेंगल हम लोग कैसे चेक करेंगे, सारा का पहले हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, तुम लोग घर में जाना और मतलब घर में तो है ही है तो कहाँ भेज रहे हैं घर में, ओहो सब घर में हो, कोई कोई कॉलेज में होगा या होगी, तो सबके पास बुक अवेलेबल करवाए हैं, सब लोग बुक में खोलना और जितना भी कॉन्सेप्ट बताए हैं पूरा है फर्स्ट चैप्टर में, मतलब कि स्टार्टिंग वाला बेसिक पूरा उसको बना देना। राइट एंगल ट्रेंगल मतलब कि होता है समकोण त्रिभुज, ताकि कल से हम लोग आगे पढ़ सके। ये मत करना कि इसी में लटक ले रहना, नहीं कल आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका, ताकि दो तीन दिन में इसको खत्म कर दे समकोण त्रिभुज। देखो समकोण त्रिभुज कैसे हम लोग चेक करेंगे, हम लोग तो सबसे पहले तो हम लोग क्या रहेगा, मान लेते हैं कि अब हमको पता नहीं है कि इस हमको पता नहीं कि ये ट्रेंगल समकोण त्रिभुज है। समकोण में क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, हमको पता नहीं है स्टार्टिंग में, थोड़ी ना पता है कि वो राइट एंगल ट्रेंगल है या क्या है, बस हमको तीन को कोऑर्डिनेट मालूम है ए बी सी, तीनों कोऑर्डिनेट मालूम है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे चेक करने के लिए कि ये जो कोऑर्डिनेट है राइट एंगल ट्रेंगल का कोऑर्डिनेट, सबसे पहला चेक करेंगे तीनों जो तीनों डिस्टेंस है, तीनों साइड है, तीनों साइड का डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, कुछ भी तो निकलेगा, लिख देते हैं प्रोसेस लिख दे रहे हैं पूरा कि कैसे राइट एंगल ट्रेंगल हम चेक करेंगे। सो सबसे पहला काम क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी ए बी बी सी ए सी नहीं फाइंड लिखते हैं फाइंड द देखो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी ए सी ए बी बी सी ए सी तीनों का सबसे पहले हमको क्या करना है डिस्टेंस निकाल लेना। डिस्टेंस कैसे निकलेगा बोलेगा कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, हमको नहीं आता है, तो नहीं आता है तो यहाँ से सीखो कि डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, ये वाला फॉर्मूला। अब अपने अनुसार कोऑर्डिनेट मान लेना इसका कि किसको एक्स वन किसको एक्स टू किसको वाई वन किसको वाई टू मानोगे। सबसे पहला काम करना है डिस्टेंस, इसके बाद डिस्टेंस निकालने के बाद यहाँ पे तुम लोग को तो जैसे डिस्टेंस निकलेगा ना तो तुम लोग को अनुमान लग जाएगा यहाँ पे ना कि कौन सबसे बड़का ट्रायंगल कौन है। तो कोई भी जो भी सबसे बड़का ट्रायंगल होगा उसको एक साइड रखना, बात को बाद बाकी दो को तो छोटके हुआ, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है एक एक साइड होता है जो सबसे बड़का होता है, वो क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो तुम लोग यहाँ से तो इतना तो पढ़ लिया होगा, तुम लोग इतना मैथ जानता होगा कि पता कर लेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो यहाँ से तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये ट्रायंगल बड़ा है। उसके बाद जैसे ही पता चला कि वो ट्रायंगल बड़ा है तो इसके बाद फिर चेक करो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक पाइथागोरस थ्योरम से क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है या नहीं, यानी अगर इसको अपना भाषा में लिखना है तो लिखो बड़का के स्क्वायर बराबर क्या करना है दोनों छोटका के स्क्वायर कर देना, दो भी जो भी छोटका छोटका रहेगा वो वाला स्क्वायर कर देना। तो अगर देखो अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया यानी जो भी बड़का रहेगा और पता चल ही जाएगा अंडर रूट में रहेगा तो कुछ ना कुछ तो आइडिया लग ही जाएगा, नहीं आइडिया लगेगा ना तो तीनों को एक एक बार मान के देखना, एक बार एक गो छोटका मान एक गो बड़का का स्क्वायर करके फिर वैसे भी दो गो बचेगा तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के देखना, अगर दोनों एक दूसरे के इक्वल मिल रहा है यानी एल एच एस
एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया तो हम लोग क्या समझ जाना है कि ये राइट एंगल ट्रेंगल का कोऑर्डिनेट है। क्यों समझ जाना है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला क्या होता है राइट एंगल ट्रेंगल का, राइट एंगल ट्रेंगल का कंडीशन क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। राइट एंगल ट्रेंगल में एक 90 डिग्री होता है और ये कंडीशन राइट, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग अच्छा ये वाला कब अप्लाई करते हैं, हम लोग ये वाला अप्लाई करते हैं कि जब राइट एंगल यानी एक एंगल 90 डिग्री हो, और मान लेते हैं कि एक एंगल 90 डिग्री नहीं दिया हुआ और हम लोग चेक करेंगे कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका जस्ट कोरोलरी यानी अपोजिट अपोजिट से हम लोग पता कर सकते कि ये राइट एंगल ट्रेंगल। 10th क्लास में प्रूफ भी किया होगा तुम लोग पूरा इसको। तो बस यही, अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री वर्टेक्सेस आर राइट एंगल ट्रेंगल। ये वाला कंडीशन खाली हमको प्रूफ करवाना है, ये कंडीशन प्रूफ हो गया तो बस समझ आना है कि ये जो फिगर दिया हुआ है ये फिगर इक्विलेटरल या आइसोसेलेस स्केलन ट्रेंगल नहीं है, ये क्या है राइट एंगल ट्रेंगल, यानी ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, सॉरी नीचे वाला का बेस बोलेंगे, इस सबको परपेंडिकुलर। कंडीशन ये वाला सेटिस्फाई करवा दो बस, ये अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा। आई होप सर समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ तक हो गया, राइट एंगल ट्रेंगल तक पहुंच गए। अब इसके बाद एक पॉइंट और बचा है उसको भी बता ही देते हैं। इसके बाद हम लोगों का है एक, तुमने पढ़ा होगा सेक्शन फार्मूला, ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है उसको भी देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। ऐसा लैंग्वेज में बता दे रहे हैं तुम लोग का लैंग्वेज में कि तुम लोग को समझ में आ जाए, अप्लाई करोगे ना क्वेश्चन के ऊपर तो खुद ही आइडिया लगने लगेगा। यूजेज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का कहां कहां यूजेज था पता चल गया। इसको ना जमीन में नापने के लिए जो अमीन होते हैं ना, अमीन लोग जो जमीन को मेजरमेंट करते हैं उन लोग ये सब चीज का बहुत यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ये सब। और वैसे भी ज्योमेट्री है तो फिर उसमें कोऑर्डिनेट मिल गया तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जमीन है ये सब नापने के लिए यूज होता है। चलो अगला देखते हैं सेक्शन फार्मूला का कौन सा, जिसको हिंदी में बोला जाता है विभाजन सूत्र। देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, जैसे कि अगर एक कोई लाइन है ऐसे मान लेते हैं एक पी है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा एक्स वन वाई वन, इसका क्यू है एक्स टू वाई टू, और पता चला ना कि ये को बीच वाला में कोई और पॉइंट आ गया यानी के एक पॉइंट आ गया, और ये जो के पॉइंट है ना इस दोनों को कुछ रेशियो में क्या कर रहा है बांट रहा है। मान लेते हैं इधर एम वन में बांट रहा है और इधर एम टू में बांट रहा है, तो ये जो के पॉइंट, ये जो पॉइंट वाला इस के पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई क्या होगा, यही है हम लोग का सेक्शन। मतलब क्या होता है विभाजन करना, ये के पॉइंट क्या है इस दोनों लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में विभाजित कर दिया, तो वही जो बीच वाला पॉइंट वाला होता है ना उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना रहता है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा यही है सेक्शन फॉर्मूला। और यहाँ पे देखो अंदर कटल है, अंदर बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनल बाइसेक्शन, यानी बाइसेक्शन भी दो तरह से होता है, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली यानी आंतरिक आंतरिक विभाजन, विभाजन यानी इंटरनली बाइसेक्शन आंतरिक विभाजन। क्या होगा आंतरिक विभाजन का कोऑर्डिनेट निकालना अगर एक्स, तो एक्स बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं प्रूफ नहीं करते हैं इसको, एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है एम वन, एम वन एक्स है तो एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एम वन प्लस एम टू, और एक्स निकल गया, यानी ध्यान रखे अगर एक्स निकालना है तो सब जगह एक्स एक्स ही होना चाहिए, और यहाँ पे एक्स टू लिख रहे हो तो एम वन के साथ मल्टीप्लाई करो इधर वाला के साथ, एक्स वन लिख रहे हो तो इधर एम टू वाला के साथ मल्टीप्लाई करो एम वन प्लस एम टू, और वाई अगर लिख रहे हो तो फिर लिखो वाई लिख रहे हो तो वाई वन वाई टू का ही केवल यूज होगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन डिवाइडेड। जब इंटरनली इंटरनली बाइसेक्शन होगा तो इस तरह से यूज करना, कभी कभी ये एम रेशियो टू वन रेशियो वन में भी डिवाइड होगा यानी दोनों बराबर बराबर काटेगा,
कभी दो रेशियो वन में भी डिवाइड करेगा, एक को बड़का देगा दो को छोटका कर देगा, कभी तीन रेशियो दो में भी दे सकता है, ऐसे करके भी दे सकता है यहाँ पे, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनली बाइसेक्शन, ठीक। अब एक होता है एक्सटर्नली बाइसेक्शन, यानी एक्सटर्नली एक्सटर्नली बाइसेक्शन मतलब होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में कुछ नहीं करना है, बाह्य विभाजन में कुछ करना नहीं है, बस खाली क्या करना है कि यहाँ जहां प्लस प्लस दिया हुआ वहां माइनस दे दो बस। x बराबर m1 x2 माइनस m2 इंटू एक्स वन डिवाइडेड m1 माइनस m2, y बराबर m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या कर देंगे m1 माइनस m2। ये है एक्सटर्नली बाइसेक्शन। चलो ये सब बाजार जितना आज पढ़ाएंगे केवल टेंथ वाला ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चलो यहां तक हो गया। अब एक चीज और तुम लोगों को कभी कभी देखने को मिलेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी दिखता है तो वो भी लिखिए देते हैं, यानी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कभी कभी दे देता है, उसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। आज केवल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ही बताएंगे, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करवाएंगे नहीं, लेकिन तुम लोग खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना क्वेश्चन। जैसे देखो नेक्स्ट है, लास्ट है ये ना, एरिया ऑफ अगर ट्रायंगल कहीं पे भी दे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब किसी भी तरह का ट्रायंगल दे सकता है और तीनों का कुछ कोऑर्डिनेट दे देगा। ए बी सी मान लेते हैं, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स थ्री और वाई थ्री दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे, लेकिन जब तुम लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ाएंगे ना तो डिटर्मिनेंट में और आसानी से एरिया निकाल लोगे, इसलिए यहाँ तो फॉर्मूला से ही चलना होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा सो देखना, वन बटा टू हाफ, ऐसे तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक बटा टू इंटू बेस इंटू हाइट जानते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर जानते हो, लेकिन ये कोऑर्डिनेट का फॉर्मेट में, तो वन बटा टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, यही हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल और इतना स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो फिर एरिया का तो स्क्वायर में ही निकलेगा ना, तो यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और देखो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जीरो आ जाए, ध्यान रखना अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जीरो आ जाए तो समझ लेना है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर अगर हम लोगों को कभी कभी जीरो आ जाए तो समझ लेना है ना कि वो जो ट्रायंगल वाला लाइन था ना वो तीनों लाइन एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ गया, मतलब कि वो कोलिनियर हो गया। कोलिनियर मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरा का लाइन आके सो जाना, तीसरा लाइन आके सो जाना, यानी एक के ऊपर एक आके लटक जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर लाइन। तो कभी कभी बोलेगा तुम लोगों को कि इसमें से कोई भी एक अननोन कर देगा और बोलेगा ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू जीरो, या फिर बोलेगा कि कोलिनियर लाइन है, ऑल थ्री लाइन्स आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू, या नहीं तो कोई बोल देगा वाई वन, कोई भी एक बोलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल को फिर जीरो से इक्वेट करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल को जीरो से इक्वेट करो और जो भी अननोन वैल्यू रहेगा उसका कोऑर्डिनेट निकाल दो, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जीरो आ रहा है इसका मतलब कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी ट्रायंगल का जो तीनों साइड है वो एक दूसरे का क्या है कोलिनियर है, यानी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो बस आज यहीं तक कॉन्सेप्ट
रहेगा। जितना भी कॉन्सेप्ट बताना था हम तुम लोग आज कॉन्सेप्ट बता दिए हैं।